तो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस आप सब लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ यार सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार हम आज दोबारा से खेलने वाले हैं द लास्ट डे रूल सर्वाइवल, और यार मैं आया हूँ अभी इजी किल करने के लिए। एक मिनट यार मैं फिर से तोतला बोल रहा हूँ। तो यार मैं आया हूँ अभी इजी को किल करने के लिए, और बाकी मेरे साथ आया है अपने चाइनीज भाई, जो कि यार मेरा मदद करवाएंगे हर इजी किल करने में। बाकी यार देखो यार आगे है वो मेरे ऊपर आ रहा है, तो ठीक है इसको करते हैं अपने ऊपर ग्लिच। बाकी यार अपना चाइनीज भाई यार लगता कोई एआर गन लेके आया है, बाकी वो मेरे अभी टीम में है, तो यार मेरा गोली से कनेक्ट नहीं होगा और यार मैं इसको इजी को इजी किल कर पाऊंगा। तो यार इसके हेड हेड पे बजाते हैं, और यार मैं यार आर्मर वगैरह भी नहीं लेके आया हूँ। यार इसका डैमेज यार मेरे को ज़्यादा लग रहा है। ठीक है मेरे पास है 12 घुरी वाला शॉट गन, इसको मारते हैं फटाफट से। इसका 20% एचपी हम लोगों ने आते ही इसका ख़त्म कर दिया है। बाकी अपने दोस्तों को उसको मार रहा, बाकी मैं आर्मर नहीं लेके आया अपनी, ज़्यादा बुरा हो गया क्योंकि यार मैं जल्दी जल्दी आया क्योंकि अभी सुबह हो रहा है। तो ठीक है मारते हैं इसको फटाफट से। बाकी अपना जो भाई है जी सॉरी वो चाइनीज वाला, वो भी इसको मार रहा है। बाकी एक मिनट यार ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया। तो यार ये ज़ॉम्बी लोग यार पहले यार बजा देना, वरना एक मिनट यार देखो मैं आर्मर नहीं पहना था, मेरा शायद से नेट ग्लिच था इसे, नहीं तो दोबारा से मर गया। तो ठीक है मैं यहाँ दोबारा आ चुका हूँ, इसको मारते हैं। बाकी यार कोई बंदा भी है जो आ रहा है उधर से, एक मिनट गया, हाँ वो बंदा ये कोई आ रहा है। तो ठीक है यार पहले इसको बजाते हैं जो बंदा आ रहा है, देखते हैं यार वो कौन सा बंदा है। एक मिनट यार उसने फायरिंग की शुरू कर दी, एक मिनट इसको मारते हैं एक मिनट। तो बंदा नॉकआउट, बाकी अपना टीममेट तो चला गया वहाँ पर, बाकी देखते हैं इसका क्या गिरता है। तो एक मिनट गई है, मेरा मिशन जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो ठीक है इसका हमें 28 है जो है वो शॉटगन का एमओ मिला, बाकी सब बकवास है। हम मैंने यार पढ़ा नहीं यार कौन सा वो बंदा था। तो ठीक है यार अपना इजी किल करते हैं। बाकी यार वो बंदा पता नहीं कैसे चला आया यहाँ पर, हमारे कहते यार वो सुबह यार मैं हर टाइम यार ऑनलाइन ही रहता है जो बंदा है। तो ठीक है अपना चाइनीज भाई यार अभी आएगा। बाकी यार मेरा आर्मर नहीं है यार, ये ज़्यादा नुकसान अपना हो रहा है क्योंकि यार वो हमें को मार रहे थे यार, मेरा ज़्यादा डैमेज काउंट हो रहा है। तो ठीक है यार एक ही प्रकार से देखो यार तो ये 16 किल होगा। तो यार इजी किल करना है, मैं सच बताऊँ यार तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, अगर बंदे कोई अगर ना हो आसपास तो। इसको यार अपने चारों ओर ऐसे घुमाते रहो, बाकी मतलब कि कोई अच्छा गन लेके आओ उसको बजाते रहो। अगर एआर वगैरह अगर आपके पास गन है ना तब तो यार समझ लो बाहर है आपका, इतना जल्दी आपका इजी किल भी हो जाएगा। बाकी यार गोली वगैरह भी रिक्वल नहीं होता है इसमें, तो यार काफ़ी गोली रिक्वल भी हो जा रहा है क्योंकि ये शॉट गन है, बाकी मैं यूजी से इसको डैमेज देता हूँ। तो यार 19-20 का डैमेज आ रहा है, कोई खास है नहीं, और बाकी यार कुछ है नहीं, खास डैमेज नहीं आ रहा इससे। बाकी यार मेरा जो शॉटगन है वो मैं एक बार जब मर गया था यार अपना जो चाइनीज भाई उसने ले लिया, बाकी मेरे पास वो बाउंड वाला वो है ना शॉटगन बस वही अपने पास। तो ठीक है यार एक बार इससे ट्राई करेंगे। ओके यार मेरा एमओ ख़त्म हो चुका है, तो ठीक है यार इसमें बम लगाए क्या बम कहाँ लगेगा, इसको पहले लगा फोड़ देता मैं इसको। तो ठीक है इसका जो हेल्थ है रेड में जा चुका है, बाकी मेरे पास 2 गोली वाला शॉटगन है जिसको बोलते हैं कट्टा, हाँ शायद कट्टा बोलते हैं। तो यार इसको कट्टे से मारते हैं, बाकी यार चकुआ वकुआ होता तो शायद से मेरे ख्याल से पता नहीं चकुआ इसके अंदर डैमेज आता। बाकी अपना दोस्त उसको मार रहा है, ये मेरे ऊपर ग्लिच है क्या, हाँ ये मेरे ऊपर ग्लिच है। तो ठीक है अपना दोस्त यार उसको बजा रहा है इसको पीछे से, बाकी इसको यार फटाफट से यार किल करते हैं क्योंकि अपने पास टाइम जरा सा भी नहीं है, हमें अभी जाना है एवेंजर किल करने के लिए। तो ठीक है इसको अभी हम बजाते हैं। बाकी यार इजी हमें इसने आते चाहिए क्योंकि यार इससे हमें मिलेगा ऑयल रिफाइनर, बाकी कंपोनेंट्स तो अपने को मिलता ही है, बाकी पॉइंट्स हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यार पॉइंट्स रहता है तो ये सर्वर में थोड़ा टॉप में लीड बोर्ड में रहोगे तो थोड़ा अलग जलवा रहता है यार, लेकिन स्वैग अलग ही रहता है कि हाँ ये बंदा यार टॉप पे है लीड बोर्ड पर। तो यार मैं अभी कैबिनेट में अपना जो इतना भी पॉइंट उसमें रखता नहीं हूँ क्योंकि अपने बेस का रेड होने का ज़्यादा चांस है, तो इसमें थे यार मैं पॉइंट वगैरह अपने यार कैबिनेट में नहीं रखता हूँ। बाकी एक मिनट ये ओके अपना इजी किल हो चुका, बाकी यार काफ़ी अक्सर में ये मरता है। तो ओके जब 5 पॉइंट और अपने को कुछ कंपोनेंट्स मिले तो लेके चलते हैं, कोई ना सामान मिला है। और मैं यार अपने चाइनीज भाई को यार मैसेज दे रहा हूँ, तो ठीक है मेरे ख्याल से चाइनीज भाई को यार अभी किल करना नहीं आता है क्योंकि मैंने देखा है इनके पास कोई पॉइंट्स वगैरह अपने थे नहीं। बाकी ठीक है गाइस यार अभी मेरे दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ एवेंजर किल करने के लिए। बाकी यार अपने पास यार 2 जीप है जो कि चाइनीज भाई पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, तो यार अपने पास जीप है, बाकी मैंने कार्ड वगैरह सारा ले लिया है। बाकी मेरे पास फूड की कमी थी तो मैं जाके ले आया अपने बेस से, बाकी मैं 5 अपने दोस्त को दे देता हूँ, 5 मैं अपने रख लेता हूँ। तो ठीक है इसमें फ्यूल वगैरह मेरे भाई ने यार डाल दिया है, तो ठीक है डार्कनेस भाई अपने बैठ चुके हैं इसमें।
यहाँ से हम निकलते हैं। गाड़ी है तो अपने को पुल से ही जाना पड़ेगा। बाकी एक मिनट यार, वो डैमेज दे रहा था लेकिन डैमेज लगा नहीं, तो ठीक है। देखते हैं यार अपना पुल से यार कितना डैमेज होता है। एक मिनट ये गाइस यार, ओके ओके डैमेज पड़ रहा है, डैमेज पड़ रहा है अपने। यार इसमें बैठने का ये फ़ायदा है, डैमेज अगर लगेगा तो आपको कार का लगेगा। बाइक पे बैठो यार तो अपने पीछे पे पीठ पे लगता है गोली ना, तो मरने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो ठीक है यार, जिन भी लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी यार चलते हैं अपना यार बैंडल्ट कैंप। तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ यार बैंडल्ट कैंप में यार अपना मास्क वगैरह लेने के लिए। मेरे पास तो है मास्क, बाकी मेरे दोस्त के पास मास्क नहीं है, तो इसलिए तो मैं चला आया। तो यार यहाँ पे ब्लू रूम है तो वो भी अपने कर लेंगे। बाकी यार मेरे बैसलैंड में अपना थोड़ा तेज कर लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी अंधेरा वर तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग को तो दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने गामा इसका बढ़ा दिया है, घटा दिया मैंने। तो ठीक है अभी चलते हैं इधर से अंदर। सबसे शॉर्टकट तरीका भाई यही है, इधर से आओ, एक सोल्जर किल करोगे उसके बाद यार आपका सामने जो है आपका सोल्जर खड़ा रहेगा, उसको मारना है। तो बाकी यार मेरे पास गन तो है, बाकी मैंने एआर का एमओ कम लेके आया हूँ। मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ यार, मेरा दोस्त है कहाँ चला गया। तो ठीक है अपना दोस्त उसको मारेगा, उसके बाद हम चलेंगे। तो अपना दोस्त उसको मार रहा है तो गया अपना दोस्त नहीं वो सोल्जर गया। तो ठीक है अभी चलते हैं ब्लू रूम में, पर्पल कार्ड तो आया हुआ है। बाकी हमें पर्पल गियर कोई कमी नहीं होती, क्योंकि हम जो है ना सुबह शाम मारते रहते हैं उसको सोल्जर। ओके गाइज़ एवेंजर वरीजी को मारते रहते हैं, अपना पर्पल का तो जुगाड़ हो जाता है। तो इसको यार तोड़ते हैं, इसमें देखते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स अपने को यार दवा के मिलता है, तो कंपोनेंट्स कोई बाकी स्प्रिंग्स में हमेशा ले लेता हूँ। तो ओके अपने को काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स तो मिल ही रहे हैं, बाकी गन वगैरह ओके इसमें स्पेयर और तो और कुछ मिलता नहीं है। बाकी यार अपना पर्पल कार्ड तो ओके गाइज़ यार मैं क्या मचेट उठा लेते हैं, छोड़ जाने दो। तो सुई अपना मैंने अपना उठा लिया, बाकी अब चलते हैं यहाँ से। बाकी अब मेरा दोस्त एक मिनट यार कैसे नॉक हो गया। तो ओके कैसे मेरा दोस्त कह रहा है कि मैं एक एवेंजर मतलब कि एक उसको मार रहा था सोल्जर को, तो सोल्जर ने इसको बजा दिया। बाकी ये अपने आप सेल्फ रिवाइव हो जाएगा तो ठीक है। बाकी हम यहाँ पे आ चुके हैं मिलिट्री बेस पर एवेंजर को किल करने के लिए। बाकी मैं अपना ब्रेसलेट और थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ। बाकी यार मेरा जो दोस्त है वो भी आ चुका है यहाँ पर, बाकी मैं उसको ग्लिच करता हूँ। मैंने अपने दोस्त का सारा एआर गन दे दिया, क्योंकि मैंने यार उसको बोला कि तुम ग्लिच करो मैं मारता हूँ, तो वो बोला मेरे को ग्लिच करना उतने अच्छे से नहीं आता, मैं बार बार मर गया। तो मैंने कहा ठीक है मैं ग्लिच करता हूँ तुम मारो, तो यार मैं भी ग्लिच कर रहा हूँ। बाकी मैंने उसको एआर दे दिया तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, एक मिनट भी नहीं लगेगा और अपने यार एवेंजर किल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसको दिया है QVZ, काफ़ी अच्छा गन है एआर में। 81 का टैंक पे डैमेज देता है, तो आई डोंट नो इसमें किसमें कितने देगा। तो ठीक है अपना यार एवेंजर काफ़ी गलत जगह खड़ा हुआ है, वहाँ पे होता है ना प्लेन जगह पर कंटेनर के पास, तो अपना ज़्यादा ग्लिच करने में आसानी होती है। वैसे इधर करो तो यार काफ़ी कचड़ा होता है, तो मैं अच्छे से घूम नहीं पाता हूँ। तो कोई ना गाइस यार अपना यार दोस्त उसको मार रहा है, बाकी एआर है तो डैमेज तो यार उसको ज़्यादा आएगा। बाकी मेरा दोस्त कह रहा है इसका आधे से भी कम हेल्थ बचा हुआ है, दो रिलोड और करके मर जाएगा। तो ठीक है देखते हैं। तो ओके गाइस यार नोटिफिकेशन आ चुका है, बाकी देखते हैं क्या मिलता अपने को। बाकी अपने दोस्त ने यार उसको किल कर दिया। बाकी लूडो ये देखो यार किस तरह से मारा पड़ा है। ठीक है यार बजूका मिला अपने को और रॉकेट सेल्स मिले, पॉइंट्स यार ओके तो अपने को पर्पल मिला, पॉइंट्स मेरे को कोई मतलब रहता नहीं है। बाकी यार कभी कभार ही अच्छा लूट मिलता है, तो ठीक है आए मिलिट्री बेस तो यार यहाँ पर पर्पल रूम भी कर लेते हैं। तो अंदर देखते हैं। ओके गाइस यार मैं सच बताऊँ यार एवेंजर से यार किल करने पे ना मेरे को इतना अच्छा लूट नहीं मिलता। ओके गाइस साइक्लोनाइड मिल गया यार गेम में, मेरे ख्याल से अभी ये ऐड हुआ है, तो गेम में मेरे ख्याल से अभी ऐड हुआ है साइक्लोनाइड, पहले तो नहीं था अभी हो गया है। तो ठीक है बाहर चलते हैं अपना इसको लेके, गाइस किसी का रिक्वेस्ट आ गया, पहले मैं वायर निकाल लेता हूँ वरना वेस्ट जाएगा। तो ठीक है वायर निकालते हैं फटाफट से, यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस यार चाइनीज़ बाइक का था, तो ठीक है मैं यहाँ आया अपना हार्बर में, क्योंकि गाइस यार मेरे को पर्पल रूम करना पसंद है। पर्पल कार्ड तो अपने पास इतना ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है मतलब 5-6 होगा, तो यार 5-6 भी काफ़ी होता है यार बहुत ज़्यादा ही। तो वैसे मैं ब्लू का मतलब ब्लू रूम से यार निकालता रहता हूँ, रॉकेट बेस से निकाल लेता हूँ, उसके बाद बैंटल कैंप पे आता हूँ वहाँ से निकाल लेता हूँ, मतलब हर एक जगह से निकालता रहता हूँ। तो बाकी टेंशन वाली कोई बात है नहीं। इसमें से अपने को यार मिला सामान, ठीक है इसमें से मेडिकेट मिला, मेडिकेट उठाते हैं। ओके गाइस इसमें से भी अच्छा सामान मेरे को मिला,
वायर उठा लेते हैं, रॉकेट है, टरेंट यार, एक मिनट यार। हाँ यार, रॉकेट टरेंट से मेरे को याद है, इलेक्ट्रॉनिक टरेंट अपने को नहीं मिल रहा है यार। एक दो मिल जाता यार अपना काम हो जाता, क्योंकि मैं अपने इसको अपने बेस में लगा लेता चारों ओर। ओके गाइस, लार फर्नेस और इसको, एक मिनट यार, मेरे में जगह है ही नहीं, वरना मैं मीकल्स गियर भी उठा लेता। एक मिनट यार, नहीं है जगह। बाकी गाइस यार मैं मर जाऊँगा यार इस तरह से तो। ठीक है गाइस यार, मैं दोबारा चाचा को यहाँ पे ईजी मारने के लिए। बाकी मैं पर भी देखो, मैं अपना आर्मर जो है लाना भूल गया, तो कोई ना गाइस यार, अपना दोस्त है उसका आर्मर हम ले लेंगे, क्योंकि ग्लिच जो करता है उसको आर्मर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाकी यार एक तरह से ग्लिच नहीं, बस यार इसके चारों घूमते रहे, उसको अपने आप पीछे घुमाओ। पहले मैं थोड़ा अलग तरीके से मारता था, लेकिन अब पता चल गया कैसे इसको मारते हैं। तो यार आपके पास अगर 5 गोली वाली शॉट गन है ना, तब भी आपको इसको किल कर सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। बस आपके पास बंदे ज़्यादा होना चाहिए, 1 से 2। तो यार मेरा गला कैसे बैठ गया। तो ठीक है गाइस यार, मेरे पास थोड़ा फार्मस है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी यार अपना चाइनीज भाई और वो अपना डार्फेंस भाई दोनों लोग आ गए हैं, तो ठीक है। बाकी चाइनीज भाई भी इधर आया, उसको हमने इनवाइट नहीं किया था ईजी मारने के लिए, क्योंकि यार हम अकेले भी किल कर सकते हैं। बाकी वो भी आ गया, गन वगैरह शायद लेके आया, बेस में गिर गया होगा। बाकी वो मचेट से किल कर रहा है, मेरा दोस्त बोला मचेट से वो बेसबॉल बैट होता है उससे किल कर रहा है। तो ठीक है यार, मैं इसको अपना गन दे देता हूँ। बाकी यार मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, ताकि यार आप गाइस यार बोर ना हो जाओ। तो ठीक है गाइस यार, इसको मारते हैं फटाफट से जो है, और इसमें देखते हैं अपने को क्या लूट मिलता है। तो ठीक है गाइस, मैं यार एक आपको हिंट दे देता हूँ यार, अपने साथ इतना ज़्यादा गजब का सीन हुआ ना यार, आप सोच नहीं सकते हो। हम आए इसको मारने के लिए पॉइंट्स और ऑयल रिफाइनर के लिए नहीं, बाकी हम लोग को कंपोनेंट्स मिले, यानी कि उसका राइफल बैरियल मिल जाए, कोई भी SMG बैरियल। तो यार हम यहाँ जब मार रहे थे ना, तो यहाँ पे अपना एक सब्सक्राइबर आ जाता, जो कि यार वहाँ पे कैम करके बैठा होता है, कि जैसे ही ईजी की हेल्थ कम हो तो यार वो हम लोग को मार दिया। बाकी यार मेरे पास भी अच्छा आर्मर था नहीं, बाकी बंदे के पास था यूजी, मैं लेके आया था शॉटगन यार, तीसरे ना यार उसने मेरे को मार दिया। बाकी यार अभी आगे देखते रहना, तो यार काफ़ी गजब का सीन होता। बाकी यार एक मिनट, ये मीकल्स गियर है, तो यार मैंने उसके बोला कि तुम उठा लेना, मशीन गियर शायद से होता है, मैंने यार कभी नोटिस नहीं किया उसका नाम क्या होता है, लेकिन गियर जैसा है तो मशीन गियर ही होगा शायद यार। बाकी यार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जिन भी बंदे को यार मेरे साथ खेलना है, तो यार अपना कमेंट में UID दे देना। बाकी यार एक मिनट, तो ठीक है गाइस यार, देखो अपना दोस्त नॉक हो गया उस बंदे से। बाकी यार मेरा दोस्त जो कह रहा है कि शायद से तुम्हारा गोली मेरे को लग गया, तो मैं कहा कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। तो वहाँ पे एक बंदा होता है, तो वो मेरे को यूजी से डैमेज दे रहा है। बाकी इसको जिगजैग करके मारते हैं इस साइड से, ठीक है। तो देखो गाइस यार, उसने कैम करके मार दिया, मेरा हेल्थ कम था। उसके बाद यार पता चलता है यार ये अपना सब्सक्राइबर होता है, उसने यार मेरा पूरा चैनल का नाम लिख डाला, तो मैं समझ गया भाई यार ये मेरा सब्सक्राइबर ही है। बाकी ये कैसे है मेरे को नहीं पता। और यार इसको पॉइंट्स और ऑयल रिफाइनर चाहिए था, उसने यार मेरे को सॉरी वायरी हुई बोला, तो इसका नाम यार राहुल 07 है, जो कि यार अपना ही सब्सक्राइबर है। बाकी मेरे को ये देख काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ कि यार अपना सब्सक्राइबर अपने लिए सर्वर में ज्वाइन हुआ है। बाकी उसका मन है हमारे साथ खेलने का यार, तो ऐसे तो ये डुओ जर्नी है, बाकी यार खिला लेंगे कोई ना, अपने साथ खिला लेंगे, वो भी यार अपना मन रखता रहेगा। बाकी मैं आया हूँ यहाँ पे ब्लू रूम करने के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देखा पर्पल कार्ड, तो यार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ गाइस यार। तो ठीक है दरवाज़ा खोलते हैं अपना, तो अपने को इसमें तो कंपोनेंट्स अच्छे मिलते हैं। बाकी यार पर्पल रूम की जो पर्पल कार्ड है ना, कभी कभार नीचे पड़ा होता है, देखो यहाँ पे पड़ा हुआ, पहले वहाँ पे ड्रम पे पड़ा होता था, अभी यहाँ पड़ा हुआ है, तो आई डोंट नो यार कैसा ये है। तो ठीक है दरवाज़ा खोलते हैं अपना और यहाँ से निकलते हैं, खुल जाए सिम। तो चलते हैं अपना, वायर कितना है इसमें, 4 बचा हुआ है, तो ठीक है इसको भी लेके चलते हैं अपने बेस में। फिर क्या यार, मैं जब बेस में आया ना अपने, तो यार मेरे पे मैप में नोटिफिकेशन आ गया कि यार ड्रॉप गिर गया है। तो मैंने कहा चलो यार एक बार ड्रॉप करके देखते हैं, ट्राई करेंगे, निकलेगा तो निकलेगा, वरना यार इसे छोड़ देंगे। बाकी मैं यार जब मैप खोल के देखा, तो मेरे को पता चला यार बायोकेमिकल फैक्ट्री पे गिरा हुआ है। तो मैं कहा कि यार चलो अपना बेस वहाँ पर है, क्योंकि यार मैं वहाँ पे मास्क वगैरह उठाता रहता हूँ, क्योंकि अपने Level 2 का मास्क इजीली यहाँ से मेरे को मिल जाता है। तो ठीक है बायोकेमिकल पे यार गिरा अपना ड्रॉप, तो यार हम तो निकालने की यार पूरी कोशिश करेंगे। बाकी यार मैं पहले अपना जो चेस्ट का आर्मर गिरा है उसे पहले मैं लेके आता हूँ। तो बाकी यार मैं अपना लूट यहाँ पे धर देता हूँ, यार पता चला कि जो है मैं यहाँ मरा तो फिर यहाँ से मेरा लूट गिरेगा, तो ठीक है। तो मैंने यार सारा सामान चेस्ट में रख दिया है, बाकी ठीक है। तो यार इसमें से उड़ थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और यार डोर तोड़ के चलेंगे, और यार ड्रॉप को एक्टिवेट कर देंगे, ताकि हम लोग वो होता है ना अनलॉक, ताकि वो टाइम गिरने लगे, उसके बाद मतलब कि मैं जब आऊँ यार दोबारा, तो मेरे को इतना टाइम ना लगे। तो ठीक है यार, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर अंदर। बाकी यहाँ पे सामने गिरा हुआ है ड्रॉप,
तो यार इसको एक्टिवेट करते हैं। बाकी अभी तक कोई बंदा मेरे को रिपोर्ट में नहीं, ड्रॉप के साइड यार कोई देखने को नहीं मिला। तो ठीक है गाइस यार अपना आते हैं। तो गाइस यार मैं अपना आर्मर वगैरह, अपना गन वगैरह, सारा मास्क वगैरह सब कुछ लेके आया। वैसे तो गाइस यार बायोकेमिकल पे लेवल 1 का ही मास्क लगता है, तो कोई ना गाइस यार चलते हैं अपना कैम्प करेंगे। और यार ड्रॉप आएगा मतलब कि जब टाइम पूरा हो जाएगा, आ तो ऐसे भी गया है, तो उसे तोड़ कर यहाँ से अपने बेस में चले जाएंगे। फिर यार मैं सेल्फ फायरिंग करके लूट ट्रांसफ़र कर लूँगा, क्योंकि यार मेरा सामान नहीं गिरता, ये एक ट्रिक है, स्पेशल ट्रिक है। अगर आप मेरा उस वीडियो में 100 लाइक कंप्लीट करवा दो ना, तो मैं ज़रूर बता दूँगा, जो कि 100 लाइक कभी होने वाला नहीं है। तो ठीक है यार इस पर अपना चढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इजीली यहाँ पे चढ़ चुका हूँ, बाकी वहाँ मेरा एक्टिवेट है ड्रॉप। तो ठीक है अब यहाँ कैंप करते हैं। आई होप यार कोई बंदा ना आए मेरे को ड्रॉप उठाने में, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यार इसके बाद अगर ये ड्रॉप अगर मैं ले लेता हूँ तो लीडर बोर्ड में टॉप 1 पे आ जाऊँगा। तो ठीक है अपना चाइनीज, मैंने अपने मतलब कि चाइनीज भाई को बुला लिया है जो अपना दोस्त बन गया था। बाकी यार काफ़ी दिनों से ऑनलाइन नहीं आ रहे थे, अभी यार ऑनलाइन आ चुके हैं। बाकी गाइस यार मैप पे मेरे को दिखाई देता है बंदा जो कि यार इधर ही की ओर आ रहा है। गाइस यार मेरे ख्याल से वो वही दो बंदे जो अपने को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, मुगैम्बो एंड गीगा, अरे यार कुछ ऐसा ही नाम है, उन लोग नाम भी पता नहीं कैसा रखते हैं। तो यही दो बंदे यार जो अपने को ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यार गाइस यार मेरे ख्याल से शायद यही वही होने चाहिए, बाकी ठीक है अपना देखते हैं। गाइस यार मैं आपको बता दूँ यार मैंने रिपोर्ट चेक किया भी नहीं, क्योंकि ड्रॉप वगैरह में और इजी किल में बाकी यही मतलब दो बंदे आते रहते हैं हमेशा। तो ठीक है गाइस यार बाकी मुगैम्बो के पास है 105 पॉइंट और मेरे पास था 95 पॉइंट्स था, आई होप शायद से आई थिंक शायद उतना ही होगा। तो ठीक है बंदा मेरे सामने से आ रहा है, बाकी यार अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ यार कब तक इधर आएगा कि मैं उसे मारूँ। तो आई थिंक ये इधर से आना चाहिए, ओके यार देख सकते हैं यार बंदा आ रहा है इधर। बाकी मैं इसको मारने को ही फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा गोली कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यार मैं पीवीपी में बहुत ही बेकार हूँ। तो ठीक है गाइस यार अभी उधर से शायद से वो इधर आएंगे, अगर ड्रॉप पे आए, अगर वो होल्ड किया तो मैं इसके हेड पे यार सीधा तान के मारूँगा। बाकी मैं अपना यार वो स्नाइपर लाना भूल गया, स्नाइपर से यार एक गोली में नॉक, तो वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। बाकी यार मैं आज जब गया था वेंचर किल करने के लिए, तो यार मेरे को वहाँ से मिला था, तो मैंने उसे चलाया तो यार एक ही गोली में यार सोल्जर नॉक, तो मैं कहा भैया ये तो बड़ा अच्छा गन है। बाकी यार बंदा इधर से जा रहा है, ठीक है इसको मैं फायरिंग देता हूँ। बाकी अपना यार गोली एक भी कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है जानते ही गाइस यार मैं पीवीपी में बड़ा बेकार हूँ। तो कोई ना गाइस यार अभी एक बंदा जो है ना उधर होल्ड करता है, तो मैं थोड़ा सा उससे डैमेज देता हूँ। 96 का 2 जाता है, लेकिन बंदा नॉक नहीं होता है। तो कोई ना गाइस यार अपना बंदा तो उधर भाग रहा है, मेरे ख्याल से वो गन वगैरह नहीं लेके आया था इस नाते, वो वैसे ही सोचा होगा कि हाँ आते हैं ड्रॉप लूटते हैं चले जाते हैं। तो गाइस यार कोई ना बंदा अपना वहाँ पे वापस जा चुका है, मैं आई थिंक यार वो गन वन लेके आएगा। बाकी अपने चाइनीज़ भाई यार साइकिल से यार पैडलिंग करते हुए यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी टाइम तो ठीक है अभी 4 मिनट और हैं। तो यार जो अपना चाइनीज़ भाई है वो भी अपना आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे भी बुला लिया था, क्योंकि यार ड्रॉप अगर हम लोग को मिल नहीं रहा है। ये दो बंदे आते हैं और यार मैं जानते यार पीवीपी में यार काफ़ी नूबड़ा हूँ, इस नाते यार वो मेरे को मार के पॉइंट लेके चले जाते हैं। तो कोई ना गाइस यार, और तभी यार मेरा जो दोस्त है ना निखिल भाई वो भी ऑनलाइन आ जाता है ड्रॉप को लूटने के लिए। तो ठीक है गाइस यार मेरे ख्याल से शायद उसने यार अपना बैग यहाँ प्लेस किया हुआ था, क्योंकि काफ़ी जल्दी आ जाता है, फ़ोन पे हमारी यार उससे बात होती रहती है और अपना कभी भी कॉल भी है। तो अपना चाइनीज़ भाई तो आ गया है, बाकी अपना निखिल भाई देखते हैं कब तक आएगा। तो ये मैं यहाँ पे ऊपर हूँ, मेरे ख्याल से शायद यार चाइनीज़ भाई को पता होगा कैसे के गाइस यार। तो यहाँ पे देख सकते हो नोटिफिकेशन आया गीगा ने M4 को मारा, वही M4 नाम का बंदा वही अपना निखिल भाई है। तो ठीक है गाइस यार ड्रॉप देखते हैं, निखिल भाई अपना आ गया है मेरे को कवर देने के लिए। बाकी यार मैं ड्रॉप लूट कर लेके भागने वाला हूँ, और यार अपने ये चाइनीज़ भाई यार मेरे को गाइस यार 1 सेकंड मेरे को वहाँ बंदा दिखा, आई थिंक क्या आपको भी दिखा गाइस यार मेरे को शायद से वहाँ बंदा दिखा, 1 मिनट यार चलते हैं अंदर। शायद से यार मैंने अंदर यार बंदा तो मैंने शायद से यार देखा, एक बार यार अंदर चल के देख लेते हैं यार बंदा है या नहीं है। बाकी यार ओके यार नोटिफिकेशन आ गया कि कोई बंदा जो है मेरे आसपास में तो है, तो साथ में मेरे टीममेट से दिखा रहा है। तो ओके गाइस यार मैं अंदर आ चुका हूँ, बाकी मेरे को बंदे को तो कोई नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक यार मेरा ग्लिच होगा या फिर मेरे आँखों का धोखा होगा। तो ठीक है कोई ना गाइस यार अभी क्या करते हैं अपने ड्रॉप की ओर चलते हैं। 1 मिनट यार गाइस यार मैंने यहीं पर ही देखा था एकदम यहाँ जस्ट में यहाँ पे। तो ठीक है गाइस यार
ड्रॉप अपना है यहाँ पर, मैंने अपना हेयर आर्मर वगैरह सब कुछ अपने भाई को दे दिया, निखिल भाई को, ताकि यार वो जाके अपने बंदे लोग को संभाले। इसके पास आर्मर नहीं था, बाकी वो बोला कि ड्रॉप जैसे ही अनलॉक होगा ओके गए तो अनलॉक हो गया टूट के यार। ओके ठीक है, इतना सब कुछ लूट मिला। ठीक है अब यहाँ से निकलते हैं तुरंत के तुरंत। अपना निखिल भाई और चाइनीज़ भाई तो यार अपने कवर देंगे ही, बाकी मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाकी मेरे चाइनीज़ भाई यार मेरे पीछे पीछे आते ज़्यादा सही रहता, बाकी मैंने मैसेज तो कर दिया लेकिन नहीं यार नहीं आ रहे हैं। तो कोई ना गाइस यार मैं चलता हूँ अपने बीस में, अगर मैं अपने बीस में अगर एक बार चल गया। ओके गाइस यार ठीक है, अपना टीममेट यार मारा जा चुका है, M4 नाम का बंदा जो है निखिल भाई यार, उसके पास बंदूका था और अपने M4 के भाई के पास यार बंदूका नहीं था, इसने तो यार वो थोड़े से वीक पड़ गया, लेकिन ठीक है कोई ना। अपना चाइनीज़ भाई भी शायद से मेरे ख्याल से आगे जा रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मेरे पीछे भी कोई नहीं आ रहा है और मैं बीस में पहुँचने वाला हूँ एकदम सेफली। बाकी यार अपना लूट वगैरह भी मेरे पास ही है सारा का सारा, तो ठीक है। ओके गाइस यार अपने चाइनीज़ भाई ने यार गीगा को मार दिया, तो ठीक है चाइनीज़ भाई भी यार अपने बहुत प्रो हैं। तो यार मैं अपना सारा लूट एक बार ट्रांसफ़र कर लेता हूँ इसमें, फिर इसके बाद यार आराम से देखेंगे। बाकी यार अपने M4 भाई भी यार बाहर खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को अंदर आने दो, एक मिनट यार मैं सारा लूट ले लेता हूँ, फिर इसके बाद फिर यहीं से मैं चला जाऊँगा। पॉइंट्स भी अपना ले लिया मैंने, तो ठीक है। M4 भाई यार अपने बाहर आ चुके हैं, तो ठीक है यार गाइस यार उनको यार पहले हम एक बार यार मिनट इसको मैं अंदर कर लेता हूँ अपने अंदर आओ भाई। ओके तो यार हम सेफ हो चुके हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। ठीक है पॉइंट्स और अपना QBZ के लिए जो कि यार अपने निखिल भाई लेके आ जाएंगे, तो टेंशन वाले कोई बात नहीं है। बाकी सारा लूट मेरे पास आ चुका है, मेरे बेस में एकदम सही सलामत। यार कभी कभार ही गिर जाता अपना सामान वरना रेयरली है, मतलब कि कभी कभार नहीं गिरता, कभी कभार गिर जाता है। तो गाइस यार ठीक है, तो आज के वाली वीडियो में बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार जिसको भी मेरे साथ खेलना है तो यार अपना व्हाट्सअप नंबर यार मेरे को बता देना, तो मैं उसमें अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, उसके बाद यार आप भी मेरे साथ खेल सकते हो। तो ठीक है गाइस यार अभी सर्वर के 2 दिन और बचे हैं, 2-3 दिन। कल मेरा वीडियो यार बन नहीं पाया था, इसने तो नहीं आ पाया। तो ठीक है गाइस यार कोई ना, जिसको खेलना तो यार वो अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना।